गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन टू माई वीडियो लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स. सो इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द नंबर सिस्टम, राइट? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन ईजिली सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर टेक्सट बुक. सो लेट्स डू इट, राइट? एक्सरसाइज 1.1, देयर इज 4 क्वेश्चन इज गिवन. दैट इज वेरी ईजी. If you have learned the basic knowledge of the number, so you can easily solve it. And here some questions which is given into the exercise that you have already done into the 8th standard, right? So now what is the first question? That is very basic question. Is 0 a rational number? आपसे पूछ रहे हैं क्या 0 rational number है? इस बात का जवाब आपको पिछले video lecture में मिल गया होगा. वहाँ पर ये बात मैंने mention की थी. और आपको ये पूछा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. अगर 0 एक रैशनल नंबर है तो क्या आप इसको पी अपॉन क्यू यानी कि रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख के बता सकते हैं, जहां पर क्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, राइट फ्रेंड्स? तो आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम होगा. नहीं अगर मालूम है तो मैं बता देता हूं. 0 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो हम यहां पर लिखेंगे यस. और इसको हम जस्टिफाई करने के लिए इसका तरीका भी बताएंगे, क्योंकि हमको कहा गया है कि p अपॉन q के फॉर्म में लिख के बताना है. तो 0 हमारा एक रैशनल नंबर है तो उसका आंसर होगा यस. और इसको अगर हम लिख पाएंगे तो हम इसको 0 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. और फ्रेंड्स, जैसे ही हम इसको 0 अपॉन 1 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो होगा दैट इज इक्वल टू p अपॉन q के फॉर्म में हो गया. और जहां पर आप देख रहे हैं ये जो q है, q जो है वो 0 के बराबर नहीं है. That is equal to 1, right? Friends, so this is the justification of the answer, and the answer is yes. Now we come to the next question. The next question is find 6 rational numbers. You can read that. Find 6 rational numbers between 3 and 4. 3 और 4 ये दोनों ही rational number है, और इनके बीच में आने वाले 6 rational number आपको ढूंढना है. So friends, इस तरह के जो question है आप 8th class में कर चुके हैं. तो यहां पर मैं इसका आंसर आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं. तो 3 और 4 जो है आपके रैशनल नंबर है. तो सबसे पहली बात तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी हैव 3 अपॉन 1, राइट, एंड 4 अपॉन 1. यहां पर 3 और 4 रैशनल नंबर है तो इसको हम 3 अपॉन 1 और 4 अपॉन 1 लिख सकते हैं. नाउ वी कैन सी दैट द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल. तो आप बताइए यहाँ पर 3 और 4 के बीच में अगर डिनोमिनेटर 1 होगा तो क्या हम यहाँ पर इसके बीच में कोई रैशनल नंबर बता सकते हैं? तो दैट इज राइट नाउ इट इज डिफिकल्ट. सो व्हाट वी कैन डू, हम इस 1 को 10 बना देते हैं, राइट? तो 1 को हम अगर 10 बनाएंगे तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 3 अपॉन 1 इंटू 10, जो मेथड मैंने आपको 8th क्लास में सिखाई थी. तो 3 और 1 दोनों को ही मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 10, राइट? सो 3 अपॉन 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं. और यहां पर 4 अपॉन 1 को भी हम 10 बना देंगे, तो 10 के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 10. दैट इज वेरी इजीएस्ट वे. ये जो तरीका है ये बहुत ही आसान तरीका है. तो आप देख लीजिए, अब 30 अपॉन 10 और 40 अपॉन 10 के बीच में यहां पर आपको 6 पूछे हैं, लेकिन आप 6 से ज्यादा रैशनल नंबर यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे उसको हम यहां पर लिख सकते हैं, 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 अपॉन 10, ठीक है, एंड 36 अपॉन 10. हमको 6 पूछे हैं इसलिए हम यहाँ पर 6 रैशनल नंबर ही मेंशन करेंगे. 37 अपॉन 10, 38 अपॉन 10 और 39 अपॉन 10 भी यहाँ पर इनके बीच आने वाले रैशनल नंबर है. तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन कितने आसान है. अब मैं आज से आशा करता हूँ कि आप इन दोनों क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, और आप इसको अपने कॉपी पेन पे कीजिए, इसके प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, कोई डाउट होता है, तो आप इसको मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ आपकी हेल्प के लिए. आई कैन गिव यू द हिंट. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5. यहाँ पर देख रहे हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी के जैसा है.
यहाँ पर 3 और 4 के बीच में बोला था, यहाँ पर भी 3 और 4 के बीच में बोला है, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 हो गया है। सो यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट दिस नंबर लाइक दिस। यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे इनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए, तो वो आप कर सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट दैट, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए, दैट इज फॉर दैट इज ऑल्सो अबाउट द नंबर, राइट? इसमें रैशनल नंबर, इंटीजर, सारे नंबर के बारे में पूछा हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स, और अगर ट्रू है तो उसका जस्टिफिकेशन भी आपको देना है, यानी कि उसका कारण बताना है कि क्यों ट्रू है, और अगर गलत है तो आपको बताना है कि ये क्यों फॉल्स है, राइट? तो पहला स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, राइट? क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाते हैं? तो लास्ट वीडियो टॉपिक में मैंने जो सबसे लास्ट पार्ट जो आपको बताया था, जो नंबर सिस्टम का सेट का जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, वहां से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, उसमें मैंने ये स्टेटमेंट को समझाया भी था। सो यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ, राइट? सेकंड स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर कहलाते हैं या नहीं, ये फॉल्स है या ट्रू है, ये आपको बताना है, और उसके लिए रीजन बताना है कि क्यों नहीं है। यू कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल, राइट? थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी के सभी रैशनल नंबर होल नंबर है? अगर है तो क्यों, और अगर नहीं है तो क्यों है? ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो पिछला वीडियो लेक्चर आप रिवाइज कीजिए, उसको देखिए, समझिए, और आई होप कि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आपकी एक्सरसाइज 1.1 में इतना ही कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, तो आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपके सामने आऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।